तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द सीरीज ऑफ लेक्चर ऑन इंडियन इकोनॉमी। तो टुडे नाउ वी विल बी स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे बिकॉज टॉपिक ज़्यादा है एंड माई सेल्फ नीत किशोर आई एम टेकिंग योर इकोनॉमी क्लासेस। सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट पार्ट ओके एंड लेट अस सी व्हाट ऑल वी हैव टू कवर टुडे। तो फर्स्ट वी विल सी वॉट इज़ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, जो टाइप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के उसके बारे में बात करेंगे, देन वाई इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी कंट्री। और आज हम लोग जो दो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, दैट इंक्लूड रोड एंड रेलवेज। ठीक है, तो रोड सेक्टर के जो टाइप्स हैं, फिर इशूज़ क्या क्या हैं उनमें, की इनिशिएटिव्स क्या क्या ली गई, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्कीम है दैट इज़ भारतमाला परियोजना, वो देखेंगे क्या है। सिमिलरली इन द रेलवे सेक्टर वी विल सी द इम्पॉर्टेंस इशूज इन दिस पर्टिकुलर कमिटी फॉर्म्ड एंड इट्स रिकमेंडेशंस। देन वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, हाई स्पीड रेल एंड पॉलिसी इनिशिएटिव। हाई स्पीड रेल इज द बुलेट वन, उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि बुलेट के रिलेटेड मेन्स में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्या इंडिया इज रेडी फॉर एनी बुलेट ट्रेन और लाइक दिस, क्रिटिकली एनालाइज, एंड देन द अदर पॉलिसी इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेलवेज। ठीक है, तो स्टार्टिंग विथ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर। तो सिंपली स्पीकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स दोज बेसिक फैसिलिटीज एंड सर्विसेज विच फैसिलिटेट डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड देयर बाई हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इरीगेशन, पावर, साइंस, टेक एटसेट्रा आर ऑल द एग्जाम्पल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो सारे बेसिक फैसिलिटीज या सर्विसेज जो कि डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को फैसिलिटेट और या कर सकते हैं उसको क्या कहते हैं, दे आर बाई हेल्पिंग, दे आर फैसिलिटेटिंग डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड दे हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सोशल ओवरहेड कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दिस डू नॉट डायरेक्टली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज बट दे इंड्यूस प्रोडक्शन ऑन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड। ठीक है, सो अगर एग्जांपल की बात करें तो एन इंडस्ट्री सिचुएटेड ऑन और नियर अ रेलवे लाइन, अ नेशनल हाईवे विल प्रोड्यूस कॉमोडिटीज एट लेस कॉस्ट। तो हियर रेलवे लाइंस और नेशनल हाईवेज आर एग्जांपल ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दे जनरेट एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड दस इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। तो टाइप्स की बात करें तो ब्रॉडली वी कैन डिवाइड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन टू कैटेगरीज, इन टू कैटेगरीज। फर्स्ट इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूड्स इरीगेशन एंड पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन। And the social infrastructure includes education, health, sanitation, housing, science and tech, all those things. तो ये आपको दो broadly categories में हम लोग इसको बांट सकते हैं। Economic infrastructure means all those basic facilities and services which directly benefit the process of production and distribution of an economy. तो irrigation, power, transport या communication जो भी है, they are example of economic infrastructure. So they are directly facilitating or benefiting the process of production and distribution. Whereas social infrastructure means that those basic activities and services which in addition to achieving certain social objective indirectly help various economic activities. For example, education does not have any direct economic activities affecting any economic activities like production or distribution, but it indirectly helps in the economic development of the country by producing scientists, technologies, engineers, etc. So education, health, service, sanitation, water supply, housing, etc. are example of सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अभी स्लाइड में आपने क्या देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, तो बेसिक फैसिलिटीज और सर्विसेज हैं और उसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, इकोनॉमिक एंड सोशल। इकोनॉमिक इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द इकोनॉमी लाइक इरीगेशन, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, और जो सोशल है वो इनडायरेक्टली कर रहा है, बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। ओके, तो इम्पॉर्टेंस क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एक कंट्री में, तो वो देखिए अगर तो फॉर एनी कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स डेवलपमेंट as it offers basic facilities that is required for the smooth functioning of that particular society. So it can be said that infrastructure is the fundamental physical or organizational structures needed for the operation of a civilization or enterprises. And speedy growth needs to be maintained by an efficient, reliable and innovative transport system. Okay? So this is particularly important for an economy concerned about competitiveness. So to fulfill these increasing demands, huge investments are needed in road, railway, port and civil aviation.
for the increase of capacity and transformation. The public sector plays a vital role in building this particular infrastructure. And nevertheless, the resources needed are much larger than the public sector can provide. So it is providing an opportunity for private investment also, like the PPP mode. Importance infrastructure and economy, if you overall dekhe, so it creates the need, the demand, aur uske karan kuch vacuum create ho rahe hain country mein. Investment vacuum create hoga, public sector will not be able to cater that large needs, okay? So fir us need ko tackle karne ke liye investment, private investment hamare paas hum log attract karenge, to us hisab se infrastructure is tarah se bahut hi zyada important hai kisi bhi economy ke liye, theek hai? अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पास्ट वर्सेस प्रेजेंट में देखें तो देयर हैज बीन ग्रोइंग इंफेसिस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आफ्टर द 1991 रिफॉर्म दैट इज द पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा दिस इज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट टू प्रीवियस ईयर्स वेयर वाज लिटिल इंफेसिस ऑन दिस पर्टिकुलर क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर विद गवर्नमेंट बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर फैसिलिटेटर एंड प्रोवाइडर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि सारा कुछ जो था वो गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखती थी बट इसमें चेंज देखा गया है और अभी रिसेंटली जो है वो गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर को इक्वली इंक्लूड कर रही है पार्टिसिपेशन करवा रही है इन द फॉर्म ऑफ पीपीपी मॉडल ठीक है स्पेशली इन द रोड्स एंड पावर सेक्टर अब सब सेक्टर्स की बात करें फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो रोड सेक्टर पहला एंड रोड ट्रांसपोर्ट दैट इज रोड सेक्टर इट इज वाइटल टू इंडियाज इकॉनमी इट इनेबल्स द कंट्रीज ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर टू कंट्रीब्यूट 4.7% टूवर्ड्स इंडियाज जीडीपी आप देख सकते हैं क्या कंट्रीब्यूशन है इसकी इन कंपैरिजन टू रेलवे दैट कंट्रीब्यूटेड ओनली 1% एक ईयर का इन्होंने डेटा आपको बताया रोड ट्रांसपोर्ट हैज गेन्ड इंपॉर्टेंस ओवर द ईयर्स डिस्पाइट सिग्निफिकेंट बैरियर्स एंड इनएफिशिएंसीज इन द इंटरस्टेट फ्रेट एंड पैसेंजर मूवमेंट तो रेलवे और एयर के कंपेरिजन में रोड में भी बहुत ज़्यादा आपको हर्डल्स हैं लेकिन स्टिल रोड हैज गेन्ड मोर इम्पोर्टेंस ओके And Government of India considers road network as critical to country's development, social integration and security needs. Aur India ka jo road network that carries over 65% of its freight yani goods and 85% of passenger traffic. Ab road ka classification agar aap dekhen to national highways aur jo authority responsible hai wo hai Ministry of Road Transport and Highways. State highways, state governments, major and other district roads, local government. रूरल रोड्स लोकल गवर्नमेंट टोटल किलोमीटर जो है ये 2011 का डेटा है अभी के लिए रिलायबल नहीं है उतना देन टाइप्स ऑफ रोड्स इन इंडिया तो एक्सप्रेसवेज अब एक्सप्रेसवेज मेकअप अप्रोक्सीमेटली 751 माइल्स दैट इज ओनली 1208 किलोमीटर्स ऑफ इंडियाज रोड नेटवर्क एज ऑफ 2013 अभी और बढ़िया है बहुत ज़्यादा दीज हाई स्पीड रोड्स आर 4 लेन और 6 लेन प्रीडोमिनेटली एक्सेस कंट्रोल्ड जैसे कि एक एग्जांपल अगर बात करें आप 164 किलोमीटर यमुना एक्सप्रेस वे ये उस टाइम पे लॉन्गेस्ट था बट अब जो आगरा वाला बन गया है लखनऊ आगरा दैट इज़ नाउ फिर अभी और एक उससे भी लंबा बन रहा है प्रयागराज से तो दैट विल बी अपडेटेड दैट इज़ योर करंट आस्पेक्ट बट आपको पता रखना है बेसिक्स में कि वट आर द टाइप्स ऑफ रोड्स तो एक्सप्रेस वेज हो गया देन वी हैव नेशनल हाईवेज तो मेन हाईवेज जो है रनिंग थ्रू द बेस ऑफ द कंट्री कनेक्ट मेजर पोर्ट्स स्टेट कैपिटल्स लार्ज इंडस्ट्री एंड टूरिस्ट सेंटर्स और नेशनल हाईवेज इन इंडिया डिजाइनेटेड एज NH फॉलोड बाई द नंबर ठीक है तो 2012 के बात करें अगर तो 5846 किलोमीटर का जो 4 लेन है वो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे एक 6310 किलोमीटर का 4 लेन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है ये सारे फेमस नेशनल हाईवेज प्रोजेक्ट्स हैं नेशनल हाईवे का जो क्लासिफिकेशन है वो है सिंगल लेन इंटरमीडिएट लेन वाला या फिर डबल लेन देन 4 लेन 6 लेन या 8 लेन तो सबसे आज जो है वो है डबल लेन दैट इज 51% देन वी हैव सिंगल लेन देन 4 लेन और 6 लेन एंड देन स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो आता है दैट इज स्टेट हाईवेज दे हैव द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिल्ड रोड नेटवर्क्स एंड द स्टेट हाईवेज इंडिपेंडेंट ऑफ द NHDP प्रोग्राम State governments have been implementing a number of state highway projects since 2000. By 2010, these highway projects worth ₹1.7 billion had been completed. ठीक है? फिर rural roads की बात करें अगर तो जो rural roads हैं इंडिया में they form a substantial portion of Indian road network.
These roads are in a poor shape definitely. They are affecting rural population, quality of life and Indian farmers' ability to transfer produce to market post-harvest. So, ye rural roads ke andar problem hai India mein, okay? We have schemes also like the famous Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. It was launched in December 2000. Jisme ki last mile connectivity deni hai villages, village areas mein. Okay? And it has been a success, this scheme also. Okay? And in other parts of India, the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana and sister program named Bharat Nirman have privatized the rural road construction and deployed contractors. The effort has aimed to build all section single lane paved asphalted roads that connect India's rural and remote areas. Okay. And the major port is project ka jo funding hai, that has came from World Bank and Asian Development Bank. So aap dekh sakte hain ki 10 saal mein trend agar rural road network ka to kitna zyada badha hai. Okay. Then moving on, we will see now the issues which are being faced by the road network in our country. Okay, so first issue you can say is that the India's roads are congested and of poor quality. So ye ek bahut badi samasya hai roads ke saath, ki the roads are congested because lane capacity kam hai, zyada se zyada highways mein wo 2 lane hai, usse kam ke hi hai. So a quarter of all India highways are congested. Okay, then many roads are of poor quality bhi, and the road maintenance remains under funded. To ek bar agar road ban jata hai na, to uske maintenance aur uske jo repair works hai uske liye jo fund hai wo bahut hi kam government allocate karti hai. That is the problem. So only around 1/3 of the maintenance needs are met. So rural areas mein jo hai wo poor access hai roads ka, to ye ek issue hai. Then one major problem on the Indian roads is the mixing of traffic. The same road is used by high speed cars, trucks, two wheelers and even the private people who are walking, or even the, you can say, the cattle rearers or any animal hawker. So with there are multiple checkposts, toll tax and octroi duties, so wo bhi bahut zyada jo speed hai traffic ki wo kam kar dete hain. Wayside amenities like repair shop, first aid center, etc. they are also very lacking along Indian roads. Private sector ka bahut kam participation hai, ab jaake ye badh raha hai. And there has been no stability in policy relating to highway development in the country. It has changed with the change of government ke aate, ye jo highway ki strategy hai wo bhi change ho jati hai. Okay. Then road sector in India also faces multiple challenges in the form of execution impediments, financing constraints, optimistic traffic estimates and stressed financial position of the developers. So ye bhi ek samasya hai. Then several projects in recent years have faced delays in execution, mainly on account of delayed and land acquisition. So ye delay bhi bahut zyada ho raha hai aapko highway sector, road sector mein. Jo key initiatives ki baat kare to National Highway Development Project NHDP, okay, which has been vested with NHAI, National Highway Authority of India, for the development of national highways. Then a special accelerated road development program of Northeast, ye hai hamara. Then road requirement plan for improvement of road connectivity in left wing extremism area, to Naxalite area ke liye bhi hamare paas scheme hai already road development ka. Aur kuch policy ki agar baat kare to standardized process for PPP projects, 100% FDI is allowed under automatic route. Then financial institutions receiving government approval to raise money through tax-free bonds. Then foreign institutional investment limit jo infrastructure ki wo badha di gayi. Government of India plans to establish a road regulator authority also. 100% tax exemption in road projects for 5 years. Okay? Central road fund assists the state government in the development of state roads. So introduction of the PPP model, EPC model. So isme jo hai wo zyada private sector ka bhi involvement jo hai wo ho raha hai. Then a new model has been introduced, that is a hybrid annuity model, that is the HAM model. Log investment model discuss karenge abhi agle ke agle lecture mein, tab usme hum log baat karenge models, different investment models ki types jo hai. Then infrastructure debt fund jo uska introduction, that is the NIIF, ye hum log kal ke lecture mein discuss karenge, next investment infrastructure fund. Okay, uske baad जो हमारा मेन स्कीम है, दैट इज़ अ भारत माला परियोजना, इसको हम लोग अब देखते हैं गवर्नमेंट की ये इनिशिएटिव इम्पॉर्टेंट है. सो इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री. दिस इज़ अ न्यू अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर द हाईवे सेक्टर दैट फोकसेस ऑन ऑप्टिमाइजिंग
efficiency of freight and passenger movement across the country by bridging critical infrastructure gaps through effective intervention like economic corridor develop करके, inter corridor और feeder routes बनाकर, फिर national corridor efficiency improvement, border and international connectivity roads, coastal and port connectivity roads and greenfield expressways. ये सारा भारत माला परियोजना के अंदर ये हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव रखा था और बहुत सारी चीज़ें इसमें ऑलरेडी अचीव हो चुकी हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। जो टोटल टेन्योर है इसमें आप अगर देखें तो क्वालिटी ऑफ रोड्स को इम्प्रूव करेंगे, टोटल रोड कंस्ट्रक्शन जो है वो अराउंड 34,800 किलोमीटर होगी एंड दैट यू कैन से इट इज़ ऑलरेडी बिंग डन एवरी डे बिकॉज द करेंट मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज आर द मोस्ट एफिशियंट। ओके, देन इंटीग्रेटेड स्कीम, इसे इंटीग्रेटेड स्कीम है जिसमें कि सारे स्कीम जो होंगे वो रिलेटेड होंगे एक दूसरे से। तो टोटल टेन्योर दैट इज टू टिल 2022 फर्स्ट फेज। ये था हमारा भारतमाला परियोजना। अब हमारे लिए जो है वो सेकंड सेक्टर हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे, दैट इज द रेलवे सेक्टर। तो वी हैव कवर्ड द रोड सेक्टर, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रेलवे सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वेट सेकंड, यस, ये जो रेलवे सेक्टर है इंडिया में व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे सेक्टर इन इंडिया, सो इट प्रोवाइड्स द चीपेस्ट एंड मोस्ट कन्वीनियंट मोड ऑफ पैसेंजर, ठीक है, ये हो गया। इट हैज़ प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज। तो रेलवेज के अगर जहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा है वहाँ पे इंडस्ट्रीज वगैरह लग जाते हैं इजीली, ठीक है। सो ग्रोथ ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मुंबई, जूट इंडस्ट्री इन वेस्ट बंगाल, कोल इन झारखंड एटसेट्रा लार्जली ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ रेलवे नेटवर्क इन दीज एरियाज, ठीक है। So railways help in supplying raw materials and other facilities to the factory sites and finished goods to the market. So ye ek importance ho gaya railway ka. Then agriculture also owes its growth to the railways to a great extent. Now farmers can sell their agriculture produce to distant places and can even sell them in the world market at remunerative prices. So railways, aapko even jab aapne modern history padhi hogi, you will already be studying this thing ki why British इंट्रोड्यूस रेलवेज। तो वो सारे भी इम्पोर्टेंस अभी भी हमारे इंडिया के लिए हैं कि कहीं ना कहीं अभी भी जो है वो एग्रीकल्चर या फिर इंडस्ट्री सेक्टर के लिए रेल इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ मस्ट नीड, ओके। एंड सिटीज़ और कंट्री साइड के बीच में जो है वो आपको आइसोलेशन है वो भी ये लोग रिमूव कर देते हैं रेलवेज के थ्रू, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो रेलवेज प्ले वाइटल रोल इन मिटिगेटिंग द सफरिंग ऑफ द पीपल इन द इवेंट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज, तो उसमें भी रेलवेज का यूज़ किया जाता है। देन रेलवेज ऑल्सो हेल्प इन फेसिंग मैन मेड कैलामिटीज लाइक सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस डिस्टर्बेंसेज इंसर्जेंसी एटसेट्रा। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरफास्ट ट्रेन एंड कंटेनर सर्विस इन मेजर सिटीज ऑफ इंडिया हैज इंश्योर्ड क्विक मूवमेंट ऑफ मेन एंड मटीरियल, ये भी एक फायदा है। और रेलवेज आर स्पेशली सुटेड टू लॉन्ग हॉलेज ऑफ बल्की मटेरियल लाइक कोल पेट्रोलियम और ओर्स, इसके लिए कोई और ट्रांसपोर्ट यूज करने से ज़्यादा जो है वो रेलवे यूज करने में ही फायदा होता है। सो दीज ऑल वेर द इम्पोर्टेंस। नाउ वी विल सी द इशूज फेस्ड बाई द इंडियन रेलवेज। तो रेलवेज डिस्पाइट बींग द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट हैज़ वेरीड एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, सम ऑफ देम आर गिवन हियर। So its present railway network is overburdened and inadequate to meet the new challenges of a fast developing economy like India. Some regions still are beyond the reach of railways due to unfavorable geographical locations conditions, okay, and these areas need to be opened for railways. Saath-saath railways are facing stiff competition from road transport, isliye inka jo share hai wo gir raha hai din pratidin, kyunki roads agar acha banenge, roads acche ban jayenge to log train mein travel karne se zyada road ke through travel kar rahe hain। Railways are overburdened with surplus staff on its regular payrolls and this burden hinders the further development of railways also. ये भी एक reason है। Then railways have to develop uneconomic project due to political pressure and interference. जैसे कि अगर example दूँ आपको गरीब रथ, तो third AC in very low cost. So these kind of moves were, you can say, politically motivated. Okay, so these are uneconomic projects and ultimately the government will go into loss. The state electricity boards and NTPC increase the tariff arbitrarily and thus add to the burden of railways. So ye bhi ek problem hai. Since again they are the largest consumer of diesel. So diesel ke rate mein koi bhi increase hota hai to railways ke financial resource ko bhi affect karta hai.
मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट यूज बाई रेलवेज आर नाउ ऑब्सोलीट, तो बहुत टेक्नोलॉजी जो है वो अपग्रेडेशन की भी जरूरत है, जो कि अब देखा जा रहा है आपको तेजस एंड ऑल द न्यू ट्रेन्स, और स्पीड ऑफ द ट्रेन है वो बहुत कम है तो उसको भी बढ़ाने की बात की जा रही है। तो ऑलरेडी यू नो कि तेजस जो हमारा सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है वो अब स्टार्ट हो चुका है, वंदे भारत सॉरी। ओके नाउ देयर वाज अ कमिटी फॉर्म अंडर द हेड चेयरमैनशिप ऑफ विवेक देबरॉय, तो दिस कमिटी वॉज बेसिकली फॉर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर मेजर रेलवे प्रोजेक्ट्स एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ रेलवे मिनिस्ट्री एंड रेलवे बोर्ड। ये इंडिया गवर्नमेंट ने बनाया था आफ्टर कमिंग इनटू पावर। की रिकमेंडेशन क्या थे इनके, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी रेगुलेटर ऑफ रेलवे अथॉरिटी, ट्रांजिशन टू कॉमर्शियल अकाउंटिंग, स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट एंड एचआर प्रोसेस। ठीक है, ये सारे उनके रिकमेंडेशन है। देन फोकस ऑन द कोर एरियाज, इंडियन रेलवे शुड फोकस ऑन कोर एक्टिविटीज टू एफिशिएंटली कम्पीट विद द प्राइवेट सेक्टर, and it should distance itself from non-core activities such as running a police force, schools, hospital, etc. Then decentralization is required. Okay. उसके बाद Indian Railway Manufacturing Company. So presently wagons are produced by the private sector. Coaches and locomotives could follow the same also. ठीक है? So this committee proposes that all these existing production units, whether it is for coaches or locomotives, should be placed under government special purpose vehicle. Known as the Indian Railway Manufacturing Company. फिर private entry को जो है वो encourage किया जाए कि freight और passenger trains में वो लोग Indian Railways के साथ competition में involve हो। Then joint venture with state governments, changing relationship between government and railways and raising resources. Okay, तो ये सारे recommendation जो थे वो विवेक देबरॉय committee ने दी थी। आपके रिकमेंडेशंस इंपॉर्टेंट हो गए जब क्वेश्चन आपको रेलवे के रिफॉर्म्स के ऊपर पूछता है अगर, और वैसे कमेटी का नाम इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द वेरी रीसेंट एंड वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव ऑफ रेलवेज इज द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, बिकॉज इफ यू हैव फ्रॉम यू कैन से इफ यू हैव ट्रेवल्ड इन ट्रेन टू सम रिमोट एरियाज, सो यू कैन सी देयर आर सिंगल लाइन्स। ओके, and every other station, after every next station, train stops generally so that the next train passes. Okay, and sometimes what happens, even the trains, express trains are being, you can say, stopped to cross any freight or you can say goods train, because ultimately they have also to travel, they have also to reach people, to ensure that everyone gets what is required by them. So agar goods ke liye alag dedicated corridor hoga, so at least they will move freely and it will also reduce the burden on the passenger trains. Okay, so 11th five-year plan says jo hai Ministry of Railways constructing a new dedicated freight corridor covering about 3300 kilometers along two routes, that is the eastern corridor and the from Ludhiana in Punjab to Dankuni in West Bengal, or western corridor from Jawaharlal Airport Mumbai to Maharashtra to Tughlakabad Delhi. Theek hai, jo Dadri hai UP wala area wahan pe. So upgrading transportation technology, increase in productivity and reduction in unit transportation cost are the focus areas of project. The project is likely to be completed and it has been completed also. So dedicated freight corridor corporate of India has been designated by the government for this as a special purpose vehicle and has been created to undertake planning and development of this particular scheme. So dedicated freight corridor ke baare mein agar baat kare, to this freight corporation of India, the special purpose is set up by railways. So it was set up by railways to implement the project and it is keen to complete and it has been completed, we have discussed. So the Western Freight Corridor, it will pass through Haryana, Rajasthan, Gujarat and Maharashtra. So ye bhi important aapke liye prelims ke liye ho gaya. And a substantial portion of the revised cost will be made by the way of debt from multilateral institutions such as Japan International Cooperation Agency and World Bank. So Japan ka bhi isme help hai. Aur ye kisi examination mein, mujhe I don't remember, but it was has been asked in one of the examination. जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है वो किसकी हेल्प से बनाया गया है, इन ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर लुधियाना इन पंजाब इन डनकुनी इन वेस्ट बंगाल एंड इट विल पास थ्रू 6 स्टेट्स पंजाब हरियाणा यूपी बिहार झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। इट विल हैव टू कंपोनेंट्स, अ डबल ट्रैक सेक्शन एंड अ सिंगल ट्रैक सेगमेंट अंडर द BOT मॉडल, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर इलेक्ट्रीफाइड।
एंड द ईस्टर्न कॉरिडोर विल कैटर टू ट्रैफिक स्ट्रीम्स इंक्लूडिंग कोल, फिनिश्ड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स. ओके, नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स. तो बुलेट ट्रेन्स अगर इंडिया में बात करें तो इन 2017 सेप्टेम्बर आवर प्राइम मिनिस्टर एंड इज जापानीज काउंटर पार्ट लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द एम्बिशियस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कनेक्टिंग मुंबई एंड अहमदाबाद. तो देर आर आर्गूमेंट्स फॉर एंड अगेंस्ट अडॉप्टिंग बुलेट ट्रेन इन इंडिया, उसको देखते हैं. तो वाट आर बुलेट ट्रेन फर्स्ट? तो दिस हाई स्पीड ट्रेन ऑफ जापान शिंकानसेन हाई स्पीड ट्रेन इज दे आर कोलोकली कॉल्ड एज बुलेट बिकॉज ऑफ देयर स्पीड एंड अपियरेंस. तो नॉर्मल वैसे वो हाई स्पीड ट्रेन है बट बुलेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो बुलेट ट्रेन की तरह ही उनका जो अपियरेंस है और वो स्पीड है. सो इट इज यूज टर्म जनरली यूज टू डिस्क्राइब हाई स्पीड ट्रेन ऑफ स्पीड अबव 250 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है मुंबई टू अहमदाबाद. कॉस्ट आप देख सकते हैं, ट्रैक लेंथ, मैक्सिमम स्पीड इज 350, मैक्सिमम ऑपरेटिंग स्पीड इज 320, जर्नी टाइम विल बी 2 आवर्स, अगर लिमिटेड स्टॉप्स होगी और हर स्टेशन पर रुकेगी तो 3 घंटे. ओके, एंड इट हैज़ इट इज़ प्लान टू बी कम्प्लीटेड बाई 2023 एंड एफर्ट्स वुड बी मेड टू कम्प्लीट इट बिफोर बाई 15th August 2022 ऑल्सो. ओके सॉरी, सो नाउ सो दिस इज अबाउट कि इंडियाज़ फर्स्ट बुलेट ट्रेन विल रन इन मुंबई अहमदाबाद स्पेशल रेल कॉरिडोर. तो 508 किलोमीटर लॉन्ग होगा. तो फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट अगर करें आप तो चाइना में से सस्ता है बिकॉज चाइना इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ जापान. तो आप वो बात कर सकते हैं. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मीन्स के लिए क्वेश्चन जो हमारा कि इसके प्रोज कॉन्स आर्गूमेंट जो इसके अगेंस्ट में है और कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे. प्रोस में आप देख सकते हैं कि इट विल बी वेरी वेरी कन्वीनियंट, बहुत कम टाइम में 600 किलोमीटर के आसपास की दूरी अगर आप 3 घंटे 2.5 घंटे में कर रहे हैं. सेफ्टी विल बी इंश्योर्ड बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी. इट विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा इससे. टेक्नोलॉजी आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, तो इट विल अल्टीमेटली लीड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. कॉन्स क्या है कि हाई फेयर, कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड लैंड एक्विजिशन इज अ वेरी वेरी सीरियस प्रॉब्लम विच इज अगेन बींग विच इज द केस अभी जो बुलेट जो फेस कर रही है महाराष्ट्र में वो यही है. सो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यू कैन से दैट इंडिया रेलवे इज इन अ वॉरिंग स्टेट ऑलरेडी. देर इज अ नीड टू स्ट्रेंथन द प्रेजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द रेलवेज एंड द रिसेंट नंबर ऑफ इंक्रीजिंग रेल एक्सीडेंट एंड एल्फिनस्टोन ट्रेन स्टेशन स्टैम्पेड जो भी रिसेंटली हुआ था, इट फर्दर स्ट्रेंथन दिस केस. तो जो एक कमेटी बनाई गई थी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुदीप बंदोपाध्याय के हेड चेयरमैनशिप पे स्टैंडिंग कमेटी, इट सेड इन 2014-15 दैट 40% ऑफ द एक्सीडेंट्स अकर्ड एट अनमैन्ड रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स. सो दिस कमेटी ऑल्सो रिकमेंडेड टू कम्प्लीट शिफ्ट टू LHB कोचेज टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ लाइफ इन केस ऑफ डीरेलमेंट्स. और सो द आर्ग्यूमेंट इज इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड अपग्रेडिंग द करेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कीपिंग इन माइंड द सेफ्टी ऑफ मिलियन ऑफ पैसेंजर, वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन अ प्रोजेक्ट कैटर टू ओनली वेल ऑफ सेक्शन. तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम लोग इम्प्रूव ना करके क्यों हम लोग ज़्यादा पैसा लगाकर और सिर्फ कुछ, क्योंकि बुलेट में हर कोई चढ़ेगा नहीं, तो कुछ एक वेल ऑफ सेक्शन को ही हम लोग क्यों कुछ कैटर कर रहे हैं. सो दिस आर्ग्यूमेंट इज गुड बट यू कैन नॉट आर्ग्यू बिकॉज यू हैव टू डेवलप ऑल्सो. डेफिनेटली सिक्योरिटी ऑफ पर्सन और यू कैन से लाइफ ऑफ पीपल आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट द थिंग इज यू हैव टू डेवलप ऑल्सो एट द सेम टाइम. So there is no denying that the fact that safety considerations are to be kept in mind and accorded high priority, no doubt. But comparing these two investment is not right because this should not be considered as an alternative choice. ये दोनों ही करना है सरकार को. Okay, तो renovation और upgradation के लिए भी investment करना ही है, but bullet train project के लिए भी investment ज़रूरी है because ultimately these bullet trains investments and these bullet trains are ultimately going to attract investment. And ultimately leading to the growth of the country also. Because we are competing globally also. तो इंडिया के अंदर हम कंपटीशन कर रहे हैं कि हमें हर कुछ प्रोवाइड करना है और ग्लोबली भी हम कॉम्पीट कर रहे हैं विद चाइना, जापान, US. तो वी कैन नॉट से दैट दीज टू इन्वेस्टमेंट्स हैज़ टू बी ऑल्टरनेटिव चॉइसेज. नो, बोथ ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स नीड्स इन्वेस्टमेंट फ्रॉम गवर्नमेंट. ओके, जो नई पॉलिसी इनिशिएटिव्स है रेलवेज के लिए, तो बजटरी रिफॉर्म, तो यू वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि नाउ द बजट हैज़ बीन मर्ज्ड, द यूनियन बजट जनरल एंड रेलवे हैज़ बीन मर्ज्ड टुगेदर. देन FDI, गवर्नमेंट हैज़ अलाउड 100% FDI इन रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस अपार्ट फ्रॉम द ऑपरेशंस. ठीक है, ऑटोमेटिक रूट में. देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑलरेडी, लैंड लीजिंग, रेलवे हैज़ प्रोवाइडेड लैंड लीजिंग फॉर वेरियस पर्पसेज.
फिर टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन में श्रेष्ठ जो है दैट इज स्पेशल रेलवे एस्टेब्लिशमेंट फॉर स्ट्रेटजिक टेक्नोलॉजी एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट। ये एक नया R&D ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी को सर्व करने के लिए, फ्यूचर टेक्नोलॉजी नीड जो रेलवे की उसको सर्व करने के लिए बनाया गया है। तो श्रेष्ठ अगर आपसे पूछें तो ये रेलवे से रिलेटेड है एग्जामिनेशन में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन सूत्र, स्पेशल यूनिट फॉर ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड एनालिटिक्स। इट इज अ वर्ल्ड क्लास सेंटर दैट हैज बीन क्रिएटेड टू कैरी आउट डिटेल्ड एनालिटिक्स रिलेटिंग टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड ऑपरेशंस ऑफ इंडियन रेलवे। फिर इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट एंड प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है ऑलरेडी। तो ये सारे गवर्नमेंट के पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं ऑलरेडी जो लिए जा चुके हैं। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स में देखें तो डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, स्टेशन डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड नाउ, निवारण, सो अगेन प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निवारण इज सम टाइम्स सीन इन द न्यूज रिलेटेड टू, सो इट इज ऑनलाइन ग्रीवेंस रेड्रेसल मशीनरी। देन क्लीनलीनेस, रेलवे को क्लीनलीनेस के लिए बहुत सारे मेजर ले रही है। फिर दिशा, ये ऑलरेडी आपको IRCTC के वेबसाइट पे एक बॉट है, चैट बॉट है जो आपको हेल्प करेगी। सेफ्टी मेजर्स में मिशन जीरो एक्सीडेंट, अनमैन लेवल क्रॉसिंग जो है ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट एलिमिनेट हो चुका है पूरे इन कंट्री से। रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रैक, स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ कन्वेंशनल इंटीग्रल कोच फैक्ट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस, CCTVs आर इंस्टॉल्ड इन द ट्रेन, स्पेशल ट्रेन लाइक राजधानी एटसेट्रा। बायो टॉयलेट्स, तो ये सारे चीज़ भी आप इंक्लूड कर सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स में कि गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है रेलवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए। ओके, सो उसके बाद अगर देखें तो रिव्यूइंग ट्रेन का टाइम टेबल, फिर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, अडॉप्टिंग न्यू सिग्नलिंग सिस्टम, रूटीन इंस्पेक्शन, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, देन ट्रेनिंग ऑफ क्विक रिस्पॉन्स टीम्स टू प्रिवेंट डिजास्टर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ रेलवे एम्प्लॉयज इन द सेफ्टी प्रोसेस ऑल्सो, एंड ओपनिंग R&D इंस्टीट्यूट्स ऑन रेलवे टेक्नोलॉजीज। ऑलरेडी दीज थिंग्स हैव बीन टेकन प्लेस, ऑलरेडी टेकन बाई गवर्नमेंट टू सेफ गार्ड और यू कैन से प्रोवाइड द सेफ्टी मेजर्स। तो ये सब चीज़ भी आप कहाँ पे अपने आंसर्स में इंक्लूड कर सकते हैं व्हेन यू आर राइटिंग अबाउट बुलेट, दैट ऑलरेडी गवर्नमेंट इज फोकस्ड फॉर द सेफ्टी मेजर्स विद दीज ऑल दीज इनिशिएटिव्स। So you cannot claim that government is not doing the safety precautions, not taking the safety measures, and they are only investing in bullet. So this can be your counter argument. You can mention these things like, now we are free from the unmanned level crossings in our country, the tracks has been replaced, okay, the coaches have been modified, the new coaches are being created, manufactured, okay, timetables are being reviewed and you can say improved, नया signaling system adopt कर रहे हैं हम लोग। तो ये सारे safety measures already government ले रही है, तो आप लोग उसको भी bullet में target कर सकते हैं, ठीक है। तो this was from railway, श्रेष्ठ सूत्र, then निवारण, these three is very important, फिर दिशा मैंने आपको बताया already, और आपको railways में अगर कुछ नया add करना है तो आप add कर सकते हैं इसको कि जो तेजस है that is the first corporate train of our country, वो लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी, एंड देन द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड ट्रेन दैट इज वंदे भारत, दैट हैज आल्सो बीन स्टार्टेड इन आवर कंट्री, एंड दिस इज द फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन ऑफ आवर कंट्री, और ये इंडिया में ही बना है, ठीक है। तो आप रेलवेज में ये सारी चीजें जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, ओके। देन द नेक्स्ट एजेंडा दैट मीन्स द इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी कंटिन्यूड, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अजय जो है इंफ्रास्ट्रक्चर को कंक्लूड करेंगे। तो सेकंड पार्ट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के वी विल बी कवरिंग द पोर्ट सेक्टर। तो पोर्ट सेक्टर में हम लोग देखेंगे कि आपको जो इंडिया में पोर्ट लेड डेवलपमेंट हम लोग स्टार्ट किए हुए हमने, लाइक पहले जैसे कि मेजर पोर्ट्स देखेंगे हम लोग, जो 12 मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, वी विल सी ऑल दोज पोर्ट्स, ओके। देन इन द एविएशन सेक्टर, एविएशन सेक्टर में हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट के स्कीम्स। अच्छा, पोर्ट सेक्टर में वन मोर थिंग दैट इज वी आर गोइंग टू कवर, दैट इज द सागरमाला स्कीम, जो कि बहुत ही फेमस स्कीम है हमारे इसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सागरमाला प्रोजेक्ट, वो हम लोग देखेंगे। देन एविएशन सेक्टर में हम लोग और भी स्कीम देखेंगे, उड़ान हमने ऑलरेडी डिस्कस करेंगे हम इसको, उड़ान को स्कीम्स वाले जब लेक्चर हम लोग कवर करेंगे तो उसमें हम लोग उड़ान है और भी बहुत सारी स्कीम्स हैं एविएशन सेक्टर की, हम लोग वो देखेंगे। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के फाइनेंसिंग में कुछ इश्यूज हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, व्हाट आर द इश्यूज इन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग,
एंड व्हाट नीड्स टू बी डन एंड व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स, तो हम लोग स्टेप्स भी देखेंगे एंड देन वी विल सी लॉजिस्टिक्स. सो दिस इज बेसिकली न्यू एंड लॉजिस्टिक्स हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस दे दिया गया है लॉजिस्टिक्स को, तो हम लोग इसके बारे में भी देखेंगे गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, बिकॉज नाउ दे हैव बीन गिवन द स्टेटस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. ओके, तो दिस ऑल थिंग्स वी आर बी कवरिंग इन आवर सेकेंड इंफ्रास्ट्रक्चर लेक्चर एंड टूडेज लेक्चर. इफ एनीथिंग लेफ्ट लेट मी चेक. So this is important, Vivek Debroy committee recommendation. Issues, these are mains oriented topics. Importance railway ka kya hai, aap mains ke upar question aa sakta hai railways ke upar, to ye sara kuch aap likh denge. Bharat Mala Pariyojana. And again in the road sector you can also can add the latest initiatives like jo abhi aapka Agra Lucknow expressway ban gaya. Theek hai, wo sab aap log current affairs jab se add kar sakte hain usko baad mein. Theek hai, so then तो हमने दो मेजर जो हैं वो आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के जो एक चीज़ देख ली, दैट इज़ द रोड्स एंड द रेलवेज. ओके, तो टुमारो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, वी आर गोइंग टू कवर द नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर्स लाइक द पोर्ट एंड एविएशन, और साथ साथ जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस जो मिला है दैट इज़ बीइंग गिवन टू लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट. तो हम लोग लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. So all these things we will be covering in our next lecture and infrastructure second lecture, और वो cover हमारा complete हो जाएगा उसके साथ infrastructure जो second part है वो. ठीक है, फिर हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो topic रह जाएंगे, that will be investment models and then the service sector. वो last एक lecture में हम लोग cover करेंगे investment model and service sector. उसके बाद हमारा basics part over हो जाएगा, then we will be covering economic survey, both the volume, volume 1, volume 2. Then we'll be covering budget in one lecture. Then we'll be covering census and socioeconomic caste census in one lecture. And government schemes in two lectures. And one lecture will be dedicated to all the reports and indices. Jitne bhi reports hain, indices hain hamari world mein aur country mein, जो इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे स्कीम्स को भी कवर करेंगे. ओके, सो दीज मेनी लेक्चर्स रिमेन ओनली नाउ. और बेसिक्स में सिर्फ दो लेक्चर बचे हैं अभी आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेकंड पार्ट और सर्विस सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स का. ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, वी विल कंटिन्यूइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सेकंड पार्ट. ओके, थैंक यू.